यस सर, सूर्योदय के समय 6 बजे वो सुबह 6 बजे हनुमान जी का जन्म। तो जैसे कल की रात गए, अभी रात गए 108 बार हनुमान चालीसा करनी है, 108 बार, कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। स्वामी जी अगर एक दर्शन कराते हैं जब तक हम एक बार वो चालीसा करते हैं। अनुभव करके देखो, ये दास जब अनुभव करता है तब ही बोलता है। तो हनुमान जी इतने प्यारे क्यों हो गए राम जी और जानकी जी को? साधक भक्त भगवान को प्रिय क्यों लगा, कैसे लगा, कैसे प्रिय लगेगा, कैसे प्रिय होगा? ये हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा ली कि किस तरीके से हनुमान जी राम जी को प्रिय, क्यों प्रिय है, माँ जानकी को क्यों प्रिय है, अब एक सादा सा उदाहरण। राम जी और माँ जानकी, ये माँ और बाप है और हनुमान जी बेटा। बाप की कृपा हो जाए लेकिन यदि माँ की कृपा न हो तो फिर जरा गड़बड़ है। और हनुमान जी पर जो है ना, दोनों की कृपा है। पहले तो राम जी की कृपा है, फिर माँ जानकी की कृपा। आप और हमारे भीतर एक जानकी बैठी है जो नित्य राम से मिलाना आप और हमको चाहती है। उस समय एक बाहर की कथा, जिस प्रकार हनुमान जी लंका में गए और सारा विभीषण से मिल गए, कहाँ है पता लगा लिया, सब कुछ किया, फिर अशोक झाड़ के ऊपर बैठकर राम कहानी सुना दी, राम कहानी सुना दी, प्रकट हो गए। शॉर्टकट में कथा कहूँ मैं, लेकिन जानकी जी कहते कि तू भगवान का बेटा कैसे? तो बोले नहीं, राम दूत में मां तू जानकी, बस इतने से ही शब्द में हनुमान जी ने कह दिया कि मैं राम का दूत हूं, राम का बेटा और आप मेरी मां हो, जननी। तो ये सारा जो है ये ऊपर की जब कथा है, हनुमान जी गए लंका में, जब मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए माँ जानकी के, तब मुझे भूख लग रही है वो सब कहा, और फिर जो जो भी हनुमान जी ने किया वो सब आप जानते हो, पूरी लंका को जला दिया। और जब सब कुछ करने के बाद श्री जटा ने तो कहा भी कि वो ऐसा एक बंदर आया है, उसने सब घमासान ये कर दिया, फिर तो माँ जानकी थोड़ी चिंतित हो गई,
आग लग रही है तो माँ जानकी प्रार्थना करती है अपने देवता से कि मेरे हनुमान जी को कुछ ना हो। वापस जब हनुमान जी आते हैं और तब प्रणाम करते हैं, जब माँ ने कहा बेटे मुझे तो कुछ नहीं हो, बोले नहीं माँ, जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो और माँ की कृपा है उसका कौन बाल बाका कर सकता। तब माँ जानकी ने जो हनुमान जी को एक आशीर्वाद दिया, सुंदरकांड के चौपाई में, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर बाद
जब बहू सास ससुर को बड़े अपने से जो बड़े उनको प्रणाम करती है और उसके बाद अपने पति को भी प्रणाम करती है, आज कितने लोग करते? वो हमारे माता जी बोल रहे हो क्या? क्या बाबा घट रही, घट रही ना, जो जीवन में घट रही वो बोलते आज ये सब निकल गए। आज आदमी को देखो ना, वो प्रसन्न नहीं है, ये सारे रस निकल गए ना, इसलिए वो अप्रसन्न है। ये सारे रस निकल गए उसमें से, मान मर्यादा प्रेम ये वो सब निकल गए। एक जमाना ऐसा था कि बहू जो है माँ बाप के साथ ससुर के सामने अपने पति से नहीं बोलती। हमने देखा हमारे बचपन में, हमारे दादा जी और हमारी दादी माँ के सामने हमारी माँ कभी नहीं बोली हमारे बाप। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ये सारा जो रस है ना, ये रस निकल गया टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, और फिर मोबाइल पर होता है, फिर फांसी लेते, कोई कुएं में गिरता, कोई दवा पी के मर। आज शादी हुई, 15 दिन बाद तलाक, क्यों? रस नहीं रहा जीवन में, प्रेम नहीं, रस। तो माँ बाप का आशीर्वाद लेने की मैं बात बोल रहा था, हनुमान जी को आशीर्वाद, हनुमान जी ने नहीं बोला कि माँ तू मुझे आशीर्वाद दे। और जब हनुमान जी भगवान को मिलके जब सीता खोज के लिए गए, तब हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि प्रभु मेरे पर आशीर्वाद तो दो, ऐसा नहीं बोला, लेकिन सबने प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम प्रिय जान के ये राम का भक्त है और प्रिय है, इसलिए अपनी मुंडिका निकाली और हनुमान जी को दी। उनको क्यों दी? बहुत सारे प्रणाम करके चले गए। तो कर्म ऐसा करे कौन? मनुष्य जीव, बहू है तो बहू को ऐसा कर्म करे वो जिससे अपने माँ बाप को भी धक्का न लगे और अपने दूसरे माँ बाप जो सास ससुर है उनको भी। अरे आशीर्वाद तुम्हारे झोली में, हाँ, लेकिन क्या सब सीताराम है सब? हाँ, तो मैं भी सोचता कि आप सीताराम हो जाओ जाए तो। कहीं कहीं खेड़े गावड़े में मैं मेरे आदिवासी बंधुओं के बीच जाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा आनंद, वहाँ मर्यादा मिलती है, वहाँ प्रेम। जो जो परिवार अच्छे परिवार है सब, तो उनमें तो है ही है, लेकिन आदिवासियों के घर में जाओ आप, आज भी बहु घूंघट निकालती है। हमारे महाराष्ट्र में तो पहले तो डोक्यावर आला, मग डोक्यावरून खांद्यावर गेला, मग खांद्यावरून हातावर आला। वो भी हाथ पर किसकी? जिसने साड़ी पहनी उसकी। ये सब ज्ञान है, ज्ञान के माटे में सीने इसके माने आचरण। थोड़ा सा भी हम रामायण क्यों पढ़ते? रामायण में क्या लिखा? हमारे जीवन में कुछ आ जाए बस उतना ही ज्ञान आपको पर्याप्त है। रज्जब को केवल उतना ही ज्ञान हुआ था अपने गुरु का कहने का, अरे रज्जब तुम्हें बड़ा गज्जब की हो,